आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। शहरवान जन्मोत्सव पर्व पर गोविंद नगर स्थित संकट मोचन पार्क में श्री रामचरितमानस पाठ के दूसरे दिन भजन गायक राम आचार्य ने राम कथा का वर्णन सुंदर ढंग से किया, जिसको सुनकर सभी भक्तों को प्रभु की भक्ति में लीन नजर आए। साथ ही श्री राम आचार्य ने सभी भक्तों को भगवान राम और हनुमान जी की कथा विस्तार से सुनाते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं, जो पूरे संकट में श्री राम नाम का जाप पड़ेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तुम्हारा स्मरण नहीं आया, न तुम्हारा भागी रखा गया, इतना का नेत्रों को लाल कर श्राप दिया कि जो तुम्हारा उच्चिष्ट अन्न खाएगा वह निश्चित करके स्वान होगा, यानी उसका। इसीलिए परंपरा है कि शिव जी को वर्षिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया होगा किया जाता है। ये माता पार्वती भी श्राप दी थी, और भी अवभ्रंश कथा है, उसमें भी भेद है। हर शिव शिवलिंग का नहीं, उसमें कुछ अलग भेद है। हाँ, तो इतना क्रोधित हो गई पार्वती जी कि उनको श्राप दे दी। तो श्री राम का प्रसाद प्रदान करने से समस्त अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसलिए श्रद्धा युक्त होकर श्री राम जी का पूजन करें। हे प्रिय, फिर पूजन में लगी हुई सारी सामग्री कथावाचक को प्रदान करें, उन्हें भोजन करा के द्रव्य एवं सुंदर वस्त्र आदि से संतुष्ट करें। देवी, इस संक्षेप रूप से श्री रामर्चन मैंने कहा, श्री रामर्चन के भाव का